अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमाइमा इफ्तखार फ्रॉम अपमार्क एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन गेट फ्री एजुकेशन इन द यूएसए। जब भी फ्री एजुकेशन की बात आती है तो हमारे दिमाग में के नाम आते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज ही होती हैं, बट इट्स ऑल्सो ट्रू कि आप यूएसए में भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप ले सकते हैं। आप यूएसए में भी आपकी थ्रू आउट सारी स्टडीज फंड हो सकती हैं, बट उनके कुछ पैरामीटर्स हैं, उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फुलफिल करके ही हम ये यहाँ पे फॉल करते हैं। सो आज हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देर आर टू वेज टू गेट स्कॉलरशिप, टू गेट फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स फ्रॉम यूएसए यूनिवर्सिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो आप फाइनेंशियल एड ले लें, सेकेंडली या तो आप स्कॉलरशिप्स ले लें, ठीक है। अब स्कॉलरशिप वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये भी बता दूँ कि अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज यूएसए सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप देती है बच्चों को, ठीक है। यूएसए यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। इवन देर आर सम यूनिवर्सिटीज जो आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप भी दे देती हैं, बट अगेन क्या पैरामीटर्स हैं उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग बिल्ड करनी पड़ती है। आपके आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स तो होती हैं, साथ आपकी को करिकुलर भी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे अगर आप बैचलर्स में जा रहे हैं तो आपके एसएटीज होने चाहिए अच्छे स्कोर के साथ, और अगर आप मास्टर्स में जा रहे हैं तो आपकी जो जीआरई है वो अच्छे स्कोर के साथ होना चाहिए। अच्छा, ये होगी स्कॉलरशिप। अब अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि भाई आपको एक्सीलेंस स्कॉलरशिप मिल रही है, इस कैटेगरी की मिल रही है, इस कैटेगरी की मिल रही है, इस कैटेगरी की मिल रही है। उसकी कुछ स्पेसिफिक यू नो रिक्वायरमेंट होती हैं, इन सब के साथ हमने वो भी मीट की एंड देन वी विल फॉल इन टू दैट कैटेगरी। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरी दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका फाइनेंशियल एड, वो भी आपने जो है उनकी रिक्वायरमेंट को देख कर, उनकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स को देख कर कि वो क्या डिमांड करें, वो सब डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, देन विल गेट फाइनेंशियल एड, अगर तो आप यू नो एलिजिबल हैं तो। यहाँ पे मैं आपको ना एक बात क्लियर कर दूँ कि 100% स्कॉलरशिप के लिए आपकी प्रोफाइल भी 100% होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आपके 70% इंटरमीडिएट में एंड यू वॉन्ट टू गेट इन टू बैचलर्स और आपने एसएटीज नहीं किया एंड यू आर होपिंग फॉर 100% स्कॉलरशिप, नॉट एट ऑल। अगर आप 100% स्कॉलरशिप देख रहे हैं, उसको एम कर रहे हैं, तो जिस ईयर में आप इनरोल होना चाहते हैं उससे 1-1.5 साल पहले ही अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। आप अपना एसएटी, इफ यू आर गेटिंग इनटू बैचलर्स तो एसएटी, और अगर आप मास्टर्स में जा रहे हैं तो जीआरई, ये वाले टेस्ट आप पहले ही से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें और एम करें कि आप मैक्सिमम स्कोर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों टेस्ट जो हैं ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं व्हेन इट्स कम टू गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम यूएसए। अच्छा, फिर उसके बाद ट्राई करें कि ड्यूरिंग योर एकेडमिक टेन्योर, ड्यूरिंग योर एकेडमिक जर्नी, आप अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज भी स्ट्रॉन्ग रखें, चाहे वो कोई वॉलंटियर वर्क है, चाहे वो आपकी किसी भी यू नो यूनिवर्सिटी में या आपके कॉलेज में कोई किसी भी सोसाइटीज में पार्टिसिपेशन है और वहाँ पे लीड कर, स्ट्रॉन्ग विद योर एकेडमिक्स, इसको भी आप उतना ही स्ट्रॉन्ग रखें ताकि जब आप अपनी अपना एडमिशन यूनिवर्सिटी को भेजें और साथ में आप स्कॉलरशिप भी जो है वो एम कर रहे हो तो दे वॉन्ट रिफ्यूज यू। आप जब भी किसी से कोई चीज़ मांगे ना, तब मांगे जब वो आपको मना ना कर सकें, ठीक है। यही फॉर्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट होता है स्कॉलरशिप्स पे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक यू आर कॉन्टेक्टिंग अस और यू आर कॉन्टेक्टिंग टू यूनिवर्सिटी और आपके 70% हैं एंड विद जीरो यू नो अदर एक्टिविटीज, और आपने जीआरई नहीं किया एंड यू वांट टू गो विदाउट आइल्स, सही है। तो इस तरह की प्रोफाइल्स मैं आपको बता रही हूँ, इनको पार्शियल स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलती हैं, बट इस तरह की प्रोफाइल इस तरह की अचीवमेंट्स के लिए एंटरटेन नहीं होती। इस तरह की प्रोफाइल्स 100% स्कॉलरशिप्स के लिए एंटरटेन नहीं होती। ओके, लेट्स से आपको अप टू 100% की स्कॉलरशिप आप एम कर रहे थे एंड विद वेरी गुड प्रोफाइल यू मैनेज टू गेट 72-100% स्कॉलरशिप। नाउ व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या आपका रह जाता है कि अब आपका आपको कितना बजट रिक्वायर्ड है वहाँ पे जाने के लिए। सबसे पहले
लेट्स से अगर आपकी ट्यूशन फी वेव ऑफ हो गई है, तो ऑब्वियसली जब आपने अपना वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करना है, लाइक DS-160 लॉन्च करना है, तो उसमें आप उससे पहले जो आपने सर्विस फी पे करनी है 350, वो वीज़ा एप्लीकेशन फी है 160, वो ये तो 510 तो आपके होने ही होने, प्लस आपकी ट्रैवल कॉस्ट आ जाएंगे। लेट्स से आपकी फी थी लेट्स से कितनी आपकी फी थी 10,000 पर एनम, इतनी होती नहीं है, इतनी कॉलेजेस की होती है, कम्युनिटी कॉलेजेस की। और पाकिस्तान से आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप किसी भी कम्युनिटी कॉलेज में अप्लाई करें, बट मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ। लेट्स से कि 10,000 आपकी फी थी और उसमें आपको 80% की स्कॉलरशिप मिली, 8,000 उसमें से जो है वेव ऑफ हो गया, अब 2,000 आपके पूरे एक साल की फी रहेगी, जिसमें से 1,000 जो है आपने करना है, क्या उसे कहते हैं, 1,000 आपने पे करके एनरोल होना है, और 1,000 आपका काउंट होगा नेक्स्ट सेमेस्टर का, राइट? तो इस तरह से ये तो ऑब्वियसली इनरोलमेंट होगी, फिर आपकी वीजा एप्लीकेशन लॉजमेंट में जो आपके एक्सपेंस है दैट वाज सर्विस फी एंड योर एम्बेसी फी। उसके बाद जब आपका इंशाल्लाह वीजा आपका ग्रांट हो गया, उसके बाद जो आपके ट्रैवल एक्सपेंस आने हैं यहाँ से वहां जाने में, उसके बाद जो लिविंग एक्सपेंसेस है जाके, ऑब्वियसली वो होने ही होने। तो दैट्स ऑल कि आप यूएसए में अगर आपके पास आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो यू कैन गेट स्कॉलरशिप, ये कोई मिथ नहीं है या ये कोई ना होने वाली बात नहीं है। यूएसए यूनिवर्सिटीज वैसे ही बच्चों को स्कॉलरशिप देती हैं और मैक्सिमम देती हैं, बट मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स के लिए आपके पास मैक्सिमम प्रोफाइल भी होनी चाहिए, आपके पास उस तरह की प्रोफाइल भी होनी चाहिए। ये बात मैं इस वीडियो में 2-3 दफ़ा कॉट कर चुकी हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, और अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है और यू हैव सच प्रोफाइल एंड यू नीड एनी असिस्टेंस इन योर यू नो एप्लीकेशन, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। आपकी स्क्रीन पे भी नंबर आ रहे होते हैं और डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर लिखे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अल्लाह हाफिज़।